सीरिया में हवाई हमले के मलबे से बचकर निकले जख्मी बच्चे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पूरी दुनिया भी आयलन कुर्दी का चेहरा भुला भी नहीं पाई थी कि 5 साल के बच्चे की इन तस्वीरों ने सबको एक बार फिर अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। ये तस्वीरें हैं सीरिया में रहने वाले उमरान दाकनिश की, जो खून और मिट्टी से सना हुआ एम्बुलेंस में बैठा हुआ है। बदहवास और खून से सने इस बच्चे का चेहरा सीरिया के उत्तरी शहर पर ढाए गए कहर को साफ साफ बयां कर रहा है। यह बच्चा सीरियाई शहर अलेप्पो के नजदीक हवाई हमले के बाद मलबे की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया था। उमरान का इलाज करने वाली नर्स की माने तो जब उसके घावों को साफ करके दवाई लगाई जा रही थी तब वह बिल्कुल भी नहीं रोया, लेकिन जब घायल माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें देखकर वो जोर जोर से रो पड़ा। आपको बता दें कि उमरान का घर विद्रोहियों के कब्जे वाले अलेप्पो के उपनगरीय इलाके में था, जो हवाई हमले में बुरी तरह तबाह हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र सदमे में है। बदहवास और खौफ की उमरान की तस्वीरों को देख संयुक्त राष्ट्र ने जंग में सीरिया को दी जा रही मदद को रोकने का फैसला किया है। यूएन की माने तो जब मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वाकई पहले तुर्की के समंदर किनारे बहकर आया आयलैंड कुर्दी और फिर उमरान दाकनिश की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया है। समृद्ध देशों में गिने जाने वाले सीरिया को आईसिस रेबल ग्रुप, सीरियन सरकार और नाटो की सेना ने जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां रोज इंसानियत का गला घोटा जाता है। देखते रहिए डीबी लाइव।